मेरी आंखें धोखा खा सकती है, पर मेरा तड़पना, दम का घुटना, ये सपना नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ होने वाली इन अजीब घटनाओं के पीछे क्या राज हो सकता है? जी आप यहाँ इस वक्त? हाँ, वो बाहर भेड़िया घूम रहा है और निम्मू जी को नींद में चलने की बीमारी है, तो आप जरा ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ हाँ, यू डोंट वरी, मैं हूँ ना, आप आराम से जाकर सो जाइए। आज की रात निम्मू अपने बिस्तर से उठकर कहीं नहीं जाएगी। जी गुड नाइट। सो जा निम्मू रानी, सो जा प्रियंका, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। शायद, पर भाभी आपने भी तो निम्मो को एक वक्त दो अलग अलग जगह देखा था, ऐसा कुछ तो हो रहा है जो हमारी समझ के बाहर है। इन्हें सिर्फ मन का वहम हुआ है और कुछ भी नहीं। अरे आधी रात को निम्मो की सलामती पूछते हुए हमारे कमरे तक पहुंच गई थी। प्रियंका जी, आपके लिए ये जगह नहीं है ना, इसलिए आप यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, बाकी और कोई बात नहीं। मॉम, लगता है मेरी टीचर बीमार है, तो क्या आज भी छुट्टी? बिल्कुल नहीं, हमारी क्लास ठीक 9 बजे शुरू होगी, लेकिन आज हम क्लास स्टडी नहीं, नेचर स्टडी करेंगे। आप मुझे इस इलाके के फूल और पौधों से मिलवाएंगे ना रिते? मैं आपको सबसे पहले अपने प्यारे दोस्त किंग कोबरा से मिलवाऊंगा। मॉम, मैं फटाफट पिकनिक बास्केट तैयार करके आता हूँ। ओहो, अरे भाई देखो तो सही कौन आया है। क्या हुआ, हमारे पड़ोसी ने तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया क्या? मेरे लिए? प्रियंका जी, हमारा घर अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर आज शाम आप हमारी पहली मेहमान बनकर हमारे घर आ सकें, तो हमारे घर में जो रौनक की कमी है वो पूरी हो जाएगी। वेटिंग टू सी यू, आपका युवराज। अब
डमरू, उनसे कह दीजिएगा कि मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं प्रियंका, तुम नए लोगों से मिलोगी तो तुम्हारा मन भी हल्का होगा, और ऐसे भी मैंने तो तुम्हें कहा ही है शाम के बाद का वक्त तुम्हारा अपना है। डमरू, जाकर युवराज जी से कह दो कि प्रियंका आज जरूर आएगी। चलो ऋतिक की चिंता करने की मुझे तो और जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखिएगा बहुत जल्द हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। अरे ऋतिक। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, ये लो बेटी मंदिर का प्रसाद। अरे वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? आप किसे साथ लाई थी? नहीं, कोई नहीं। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, ऋतिक बहुत आगे निकल गया है। बाय। अपने जल्द ही सच होने वाले, लेकिन भयानक सपनों का सच उनसे कई गुना ज्यादा भयानक होता है। ऋतिक, ऋतिक चलो माजी। आज मंदिर से आते वक्त एक अजीब घटना हुई। एक तांत्रिका से मुलाकात हुई जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने कहा इस घर पर एक प्रेत का साया है और वो बढ़ता जा रहा है, और उस प्रेत को निकालने के लिए वो यहाँ आने की इजाजत मांग रही थी। माँ, तुमने किसी ढोंगन पे विश्वास कर लिया और उसे घर भी बुला लिया? मौत के वेशी बादलों ने तुम्हारे इस घर को घेर रखा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? हाँ, तुमने एक बिगड़ी हुई आत्मा को इस घर में पनाह दे रखी है, और मुझे मां मृणालिनी को जो तुम्हें बचाने आई है उसे रोकते हो। हमें आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, और ये ढोंगी का भेष धरकर आप हमें पागल बना रही हैं, हाँ? मूर्ख, एक मुर्दे को गले लगाकर तेरा जी नहीं भरा। लोगों ने कभी मुर्दों को चलते हुए देखा है? मेरी निम्मो,
ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारी छोटी बहू नहीं रही अब बल्कि एक जिंदा लाश है। आज आधी रात के बाद इसके अंदर की प्रेत की ऊर्जा बढ़ जाएगी। उस समय ये तुम सब लोगों के लाशों के ढेर कर देगी। निम्मो अजीब हरकतें कर रही है, ये तो सच है, लेकिन आप जो कह रही है उस पर विश्वास रखना मुश्किल है। निम्मो पर जिस खौफनाक भेड़िए ने हमला किया था वो एक मामूली जानवर नहीं था, एक खौफनाक मुर्दा है जो बरसों के बाद फिर से उजागर हुआ है, जो दिन के समय एक आम इंसान जैसा दिखता है, लेकिन मध्य रात्रि होते ही एक खूंखार भेड़िया बन जाता है और अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। दिन में एक आम इंसान और रात में भेड़िया बन जाता है, जिंदा लाश। आप ठीक तो है ना? होश में तो हैं आप? आपने कहीं भांग वांग तो नहीं चढ़ा ली ना? मेरा मजाक उड़ाकर क्यों तुम सबको मौत के घाट उतारना चाहते हो? ये कौन है? क्या कर रही है यहाँ? राजीव, मुझे डर लग रहा है। मत डरो निमो। सुन तो, मुझे ये जिंदा लाश, इसका क्रियाकर्म मैं करूंगी। माँ आप भी बताइए, क्या आपको मेरी निमो एक जिंदा लाश लग रही है? मुझे तो लगता है कि इसमें भी भैया की कोई साजिश है। तो वो बकवास बंद कर अपनी, और आप सीधी तरह यहां से दफा हो जाइए। देखिए, मैंने आज तक किसी औरत पर गोली नहीं चलाई, लेकिन अगर आज मुझे गोली चलानी पड़ी तो तुम्हारी गोली मुझ पर चल जाएगी। मूर्ख, इस जिंदा लाश पर गोली नहीं चलेगी। मैं जा रही हूं, तू मेरे पैर छूकर मुझसे माफी नहीं मांग लेगा, मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, समझी आप? रात तो जरूर आएगी, आज मध्य रात्रि के बाद निम्मो इस घर में से लाशों के ढेर पर से निकलते हुए उस खूंखार भेड़िए की तलाश में निकलेगी। जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। बेल, बोल बेल, बाल बेल, कौन सा बेल? बोगन बेल। बोगन बेल, वेरी गुड। अच्छा रितिक, अब जरा मुझे एक बात बताइए, आज आपने पूरा दिन मुझे डराने की कोशिश नहीं की, क्या इसका मतलब यह है कि अब हम दोस्त हैं? ना, मैंने सोचा तुम्हें डरा के क्या फायदा, तुम तो पहले से ही डरी हो। अच्छा, लेकिन अभी पूरी रात बाकी है, भूत के खूनी पंजे कभी भी तुम्हारी तरफ बढ़ सकते हैं। ओह माय गॉड, तो अब मुझे कौन बचाएगा? डमरू। क्या प्रियंका जी, सूरज बस ढलने ही वाला है, युवराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं। वक्त हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, आप उनसे कह दीजिए कि मैं ऋतिक को घर छोड़ के आती हूँ। आप इसकी फिक्र ना करें, इसे मैं छोड़ दूंगा।
ये तो अच्छा हुआ कि प्रियंका ने युवराज का नौता स्वीकार कर लिया। जब से यहाँ आई है हाथ से ही हो रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है युवराज को हमारी प्रियंका पर खास दिलचस्पी है। क्यों नहीं, प्रियंका है ही बहुत अच्छी लड़की। कभी कभी लगता है अगर वो मेरी बहू होती तो कितना अच्छा होता। दो दिन नहीं हुए उस लड़की को आके और प्रियंका ने सबका दिल जीत लिया। ऐसी क्या बात है उस लड़की में? ये तो उसका दिल चीर कर खाने के बाद ही पता चलेगा। मुझे भूख लगी है। शाम का नाश्ता बचा है, मैं लाऊं आपके लिए? छोड़ दो उसे। मैं बाजार से तुम्हारे लिए मांस हड्डी सब कुछ ले आ जाऊंगा। जाने दो उसे, मेरी प्यारी निमो। चलो, मुझे भूख लगी है। चलो तबाही।